कक्षा प्लस टू आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ चार बिहारी दो नंबर ग्यारहवीं का शीर्ष भाग। तो व्यर्थी छटपटा रहा है इस जाल में, जो जीव एक बार फंस जाता है वह जितना जितना छूटने का प्रयत्न करता है उतना ही और उसमें फंसता चला जाता है। अन्योक्ति के अनुसार अर्थ है, अरे सांसारिक सुख भोगों के जाल में पड़े मनुष्य इन झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर मनुष्य का इनसे छूट पाना असंभव हो जाता है। इनके दुखमय परिणामों से त्रस्त होकर अब तो छूटने को छटपटा रहा है, तेरा ये प्रयास व्यर्थ है। तो जितना ही इनसे छूटने का प्रयास करेगा उतना ही कष्टा चला जाता है। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने सांसारिक विषयों की असारता की ओर संकेत करते हुए मनुष्यों को इनसे दूर रहने की चेतावनी दी है। दूसरा, जाल में पड़े हिरण की दशा से विषय जाल में पड़े मनुष्यों की तुलना बड़ी सटीक है। हिरण जाल से छूटने के लिए जितना छटपटाता है जाल उसे उतना ही कसता चला जाता है। तीसरा, कवि ने संकेत दिया है कि मनुष्य को संयमित जीवन बिताते हुए, भगवान पर आस्था रखते हुए जीवन बिताना चाहिए। चौथा है, कवि माया पर अधिकार और प्रतीकात्मक शैली की कुशलता का परिचय कराया है। छठा पांचवा पॉइंट, दोहे में अन्योक्ति अलंकार, उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास का सहज प्रयोग हुआ है। बारवा दोहा, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहो करे बोहनु हसे दैन कहे नट जाए। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस ठठोली का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। व्याख्या, गोपियां अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती है। इसी बतरस से बातों का आनंद को पाने के प्रयास में उन्होंने कृष्ण की बंसी को छिपा दिया है। कृष्ण बंसी के खोज जाने पर बड़े व्याकुल हो रही है। वे गोपियों से बंसी के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठी सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्हें बंसी के बारे में कुछ पता। साथ ही बौहों के संकेत से मुस्कुराती भी जाती है। कृष्ण को लगता है कि बंसी इन्हीं के पास है। विशेष पहला पॉइंट, कृष्ण और गोपियों के इस सरस प्रयास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार रस का सजीव सचित्र प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा है, श्रृंगार रस के भाव अनुभावों का मनोहर चित्रण हुआ है। तीसरा है, गागर में सागर भरने की बिहारी की दक्षता प्रमाणित हो रही है। चौथा है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तेरवा दोहा, नाच अचानक ही उठे, बिन पावस वन मोर
जानती हो नंदित करी ये दीक्षी नंद किशोर। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक सृजन में संकलित बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता का परिचय कराया है। व्याख्या। कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन में मोर बिना वर्षा ऋतु के ही आए नाच उठे हैं, इससे मुझे यह अनुमान होता है बादलों के समान श्याम शरीर वाले नंद नंदन ने इस दिशा को अपने आगमन से आनंदित कर दिया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के घनश्याम बादलों के समान सांवले शरीर को देखकर मोरों को ये भ्रम हो जाता है कि वर्षा ऋतु आ गई है और वे मगन होकर नाचने लग गए हैं। विशेष कवि बिहारी अलंकारों के प्रयोग में दक्ष हैं, इसी का प्रमाण ये दोहा दे रहा है। नंदी तथा नंद किशोर शब्दों के का साथ साथ प्रयोग कृष्ण के नंद किशोर नाम को सार्थक कर रहा है। तीसरा, कवि ने उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकारों का रोचक वर्ण प्रयोग किया है। चौथा, गोपियों की मनोभावनाएं भी पाठकों को आनंदित कर रही है। पांचवा, दोहा छंद ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौदवा दोहा, लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर बहन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है।